हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अपन लोग ने जो है पिछले वाले क्लासेस में सस्पेंशन को समझ लिया था, प्रेसिपिटेशन को समझ लिया था, देन सॉल्यूशन किस तरीके से बनती है, होमोजेनस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के क्लासेस में अपन लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की और इसके प्रॉपर्टीज़ की। सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक What is a colloidal solution and what is it the properties of it? Okay, so इसको समझने के लिए मैं वन ग्लास क्या ले लेता हूँ, मिल्क ले लेता हूँ, दूध। ओके, ये वन ग्लास ऑफ मिल्क है, मिल्क। ओके, नाउ मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन ये हो सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन पे पार्टिकल आप लोगों को ईजिली दिखाई नहीं देते और वो एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ईजिली दिखाई नहीं देते, इसलिए क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं वह बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे रहते हैं। यहाँ तक कि जब अपन लोग फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं इसमें, तब भी वह उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, फिर तब भी आप सेपरेट नहीं कर पाते उन पार्टिकल्स को। बट स्पेशल टेक्निक यदि हम यूज़ करें, जिसको बोला जाता है सेंट्रीफिकेशन बोला जाता है, तो उसका यदि हम यूज़ करें तब जा करके हम उनके पार्टिकल को सेपरेट कर पाते हैं। सो इसमें अपन लोग देखेंगे वॉट इज़ अ कोलाइडल एंड वॉट इज इट अ प्रॉपर्टीज। सो लेट्स लुक, कोलाइड्स आर द हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखिए, ये होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल से कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुए हैं, सच एज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच, जिसमें द पार्टिकल साइज, जो भी मिलाया जाता है उसके पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल, बहुत छोटे रहते हैं, टू बी सीन विथ नेक्ड आई, जिसको देखा जा सकता है लेकिन बहुत मुसीबत के बाद इतनी ईजिली तरीके से नहीं देख पाते। कभी आपने मिल्क के पार्टिकल्स को देखे हैं क्या? वो थोड़ी मुश्किल वाली काम है, लेकिन देखे जा सकते हैं विद टू बी सीन विद द नेक्ड आई, बट इट बिग इनफ स्केट लाइट, क्या करता है, पर ये बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, लाइट को स्केट करती हैं, फैला देती हैं, पासिंग नहीं होने देती, ओके, फैला देती हैं। तो ये बिहेवियर होती है कोलाइडल सोल्यूशन की। सपोज मानिए एक टॉर्च जलाइए, यहाँ से इस टॉर्च को जब आप जलाते हैं तो इसको क्रॉस करके यहाँ से सीधे निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो वो है लाइट है, टॉर्च की जो लाइट है, ये इसको ये फैला देती है और पूरा आपको मिल्क जो है दिखाई देती है, पूरी अलग से कि हाँ ये एक बीकर है जिसके अंदर मिल्क भरी हुई है, इस तरीके से स्केट कर देती, फैला देती है। ओके, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में मैं क्या बताया कि एक ऐसा मिक्सचर जो इसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, मीन्स हेट्रोजेनस मिक्सचर, दैट्स वाई इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेकेंड वन इज वॉट बेटा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा छोटे किस्म के होते हैं, सो कोलाइड्स आर द टू स्मॉल। थर्ड वन, दे नॉट सेटल डाउन, ये जो है ऐसा नहीं होता कि इसके पार्टिकल्स यहाँ से घूमते घूमते जा करके और बॉटम पे जा करके बैठ जाएं, सेटल डाउन हो जाएं, नहीं, दे कैन नॉट सेटल डाउन, ये नीचे नहीं बैठते। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल टेक्निक, यस, फिल्ट्रेशन की मदद से एक से इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट एक स्पेशल टेक्निक यदि हम अपनाएं जिसको कि सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं, और ये सेंट्रीफिकेशन जो है आप लोग देखे होंगे जो पैथोलॉजी के जो मेडिकल शॉप रहती हैं, पैथोलॉजी जो रहती हैं वहाँ ये सेंट्रीफिकेशन रखे जाते हैं ताकि डीएनए को अलग करके और बाकी ब्लड से रिलेटेड जो स्टडी रहती हैं, ब्लड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो सेंट्रीफिकेशन की मदद से आप लोग ईजिली प्राप्त कर पाते हो। तो जब वह उसमें तक चीज़ें आपके अलग हो जाती हैं तब, या ये इसमें भी स्पेशल टेक्निक की मदद से इसको अलग किया जाता है, बट फिल्ट्रेशन उसमें प्रोसेस में इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। मिल्क के साथ साथ और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? आपका ब्लड हो सकता है, ह्यूमन ब्लड भी एक कोलाइडल का बेस्ट एग्जांपल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें अपन लोग बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की, और टिंडल इफेक्ट कैसे टिंडल इफेक्ट पड़ा इसके बारे में भी अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब खुश रहिए, आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।